फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। शुक्रवार की रात केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 18 तक जा पहुंची है। इन 18 लोगों में एक पायलट व सह पायलट भी शामिल है। हादसे के कारणों की जांच शुरू हो चुकी है। विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने पहले ही कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे को लेकर चेतावनी दी थी कि वहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। DGCA ने हाल ही में भी सवाल उठाए थे कि रनवे पर ऐसी स्थिति है कि कहीं भी पानी भर सकता है और कहीं रबर जमा हो सकती है जो हादसे की वजह बन सकती है। इस हादसे की बारिश के अलावा एक बड़ी वजह एयरपोर्ट का टेबल टॉप रनवे भी माना जा रहा है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो कोझिकोड एयरपोर्ट टेबल टॉप है, यानी हवाई पट्टी के आसपास घाटी होती है। टेबल टॉप में रनवे खत्म होने के बाद आगे ज्यादा जगह नहीं होती है। हवाई पट्टी की दोनों अथवा एक तरफ घाटी होने के कारण टेबल टॉप रनवे में जोखिम काफ़ी ज़्यादा होता है। लैंडिंग और उड़ान के दौरान काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। ज़्यादातर टेबल टॉप रनवे पठारिया पहाड़ के टॉप पर बने होते हैं। कोझिकोड एयरपोर्ट की तरह देश के कुछ और हवाई अड्डों का भी खतरनाक डिज़ाइन है, जिसे टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। इनमें मैंगलुरू का एयरपोर्ट और मिजोरम का लेंगपुई एयरपोर्ट भी शामिल है। मैंगलुरू एयरपोर्ट पर भी साल 2010 में इसी तरह का एक भीषण हादसा हो चुका है, जिसमें 158 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद भी एक्सपर्ट ने सलाह दी थी कि सभी टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग के लिए खास प्रशिक्षण की जरूरत है। शुक्रवार रात कोझिकोड पर उतरने वाली फ्लाइट के दोनों पायलट अनुभवी थे, लेकिन फिर भी यह हादसा हो गया। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।